अंबाजरी पुलिस थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है। कल पुलिस को अंबाजरी तालाब से लगकर एक लाश मिली थी। इस मामले में जांच करने पर पता चला कि मृतक संघर्ष मेश्राम और उसके एक दोस्त का विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी शुभम शाह और मोहम्मद तारुन ने उसे अंबाजरी लाकर हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। कल प्रतापनगर पुलिस अंतर्गत अंबाजरी तालाब से लगकर एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की जब ओड़क की गई तो ये पता चला कि संघर्ष मेश्राम नाम के युवा जो जैताड़ा में रहता है उसकी डेड बॉडी है। उसके जब इंक्वायरी की गई तो समझ में आया कि एक दो आरोपी हैं, शुभम शाहू और एक मोहम्मद तारुन, ये दोनों के साथ में वो जैताड़ा से अंबाजरी की तरफ आया था और वहाँ पर इन दोनों ने उसको हथौड़े से सर पर मार के उसकी हत्या की है। इसमें अभी तक दो आरोपी अटक हो गए हैं। जो हत्या का कारण है कि इसमें जो संघर्ष मेश्राम है और उसका जो दोस्त एक है रोहित लोखंडे, इनका इनसे पुराना झगड़ा था एक लेडी के ऊपर से, इनका पहले वाद हुआ था और उस झगड़े के ऊपर से कल इन्होंने रंजिश के हिसाब से संघर्ष मेश्राम को साथ में अंबाजरी लेके गए और वहाँ पर उसको मार दिया। मृतक कोई काम नहीं करता था। अपराधियों का जो शुभम शाहू है उसमें एक 425 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। जो मोहम्मद सारून है उसके ऊपर एक बजाज नगर का 307 का गुना है 2018 का। इसके अलावा चोरी के दो गुने हैं और एक 160 का अंबाजरी का गुना है। इसमें जो मृतक है उस पर कोई पुराने गुने नहीं है और बाकी अभी आगे की तपास चालू है।